सभी किसान भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम जानेंगे हमारे दूसरे प्रोडक्ट उपज वर्धन के बारे में। उसके पहले मैं आपको बता दूं, समृद्ध मिट्टी संपन्न किसान राइजिंग भारत बायोकेयर प्राइवेट लिमिटेड का यह लक्ष्य है। और जैसे कि हमने पहले वीडियो में जाना था, इस महान लक्ष्य को पाने हेतु हमने कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स का निर्माण किया है। आज हम जानेंगे उनमें से एक बेहतरीन सॉइल कंडीशनर जिसका नाम है उपज वर्धन। जैसे ही इसका नाम है वैसा इसका काम है, यह उपज की वृद्धि करता है। किसान के जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए यह बड़ा कारगर साबित हुआ है और बीते 6 से 7 सालों में हमने इसका लगभग भारत के सभी राज्यों में प्रयोग किया है और इसके अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले हैं। उसके पहले हम कुछ किसानों की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कुछ है अकाल के बावजूद, तो वो है मिट्टी का बंजर होते जाना। हमारे अज्ञान स्वरूप हमने जरूरत से ज्यादा केमिकल पेस्टिसाइड्स डाले, केमिकल हर्बिसाइड्स डाले तथा मिट्टी का पीएच चेक किए बिना, उसकी जरूरत चेक किए बिना हमने बेहिसाब मात्रा में यूरिया डीएपी पोटाश तथा बाकी केमिकल फर्टिलाइजर हम मिट्टी में डाल दिए। कुछ केमिकल हर्बिसाइड्स तथा केमिकल पेस्टिसाइड्स के परिणाम स्वरूप जो मिट्टी में जैव परिसंस्था होती है, सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार होता है, वह हमने नष्ट कर दिया। जरूरत से ज्यादा सिंचाई की वजह से क्षार ऊपर आ गए, यूरिया डीएपी पोटाश मिट्टी में घुलने की क्षमता खत्म हो गई मिट्टी की। उस वजह से हमारी मिट्टी पथरीली, बंजर और पानी का निकास उसके अंदर से ना होने वाली हो गई। पीएच बिगड़ गया, एक तो एसिडिटी बढ़ गई या फिर सलिनिटी बढ़ गई, जिस वजह से मिट्टी का तापमान भी बैलेंस नहीं रहा। यह सारी समस्याओं की वजह से जो केंचुआ हमारे खेत में रहता था, वो केंचुआ अभी हमारे खेत में नहीं रहता है और यह बड़ी गंभीर समस्या है। हमने इस समस्या के ऊपर ध्यान दिया और हमने कोशिश की कि कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट विकसित किया जाए जिसमें न्यूट्रिएंट्स की भरमार हो, ह्यूमस की भरमार हो, जिस वजह से ऑर्गेनिक तत्व मिट्टी के अंदर बढ़े और सूक्ष्म जीवाणुओं की श्रृंखला फिर से एक बार मिट्टी के अंदर बने, जिसके वजह से जो यूरिया डीएपी पोटाश सालों से जैसे के वैसे पड़ा हुआ है तथा मिट्टी को हमने बंजर पथरीली बना दिया है, उसका इलाज हो। तो जानते हैं उपज वर्धन क्या है। उपज वर्धन के अंदर ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, लियोनाडाइट तथा ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और एमिनो एसिड्स की भरमार है। इसके अंदर जो ह्यूमिक एसिड है, यह 100% ऑर्गेनिक है, जिस वजह से मिट्टी में ह्यूमस की भरमार हो जाती है और इस ह्यूमस को आकर्षित होते हुए केंचुए भी अपने खेत के अंदर आ सकते हैं। साथ ही साथ हमने मिट्टी का पीएच अगर बैलेंस करना है तो कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो 24:1 होना चाहिए, जिसमें अगर आपने ह्यूमस की मात्रा मिट्टी में बढ़ा दी है तो वो मिट्टी का बंद पड़ा हुआ इंजन फिर से स्टार्ट हो जाता है और मिट्टी में कार्बन टू नाइट्रोजन रेशो बैलेंस होने, जो मैंने अनुपात बताया, उस दिशा में चल पड़ता है। जिस वजह से क्या होता है, हमारी मिट्टी में हवा की आवाजाही बढ़ती है क्योंकि केचुए ऊपर नीचे करते जाते हैं, वो खाते जाते हैं, मल के स्वरूप में वो खाद वाली मिट्टी बनाते जाते हैं। हवा की आवाजाही बढ़ती जाती है और जिसके वजह से जीवाणुओं की श्रृंखला भी अच्छे से बन पाती है। हवा की आवाजाही होना, मिट्टी भुरभुरी होना, यह अपने आप में बहुत अच्छा, बहुत अच्छी चीज है, जिस वजह से जल निकास अच्छे तरह से होता है, खेत ऊपर नीचे अच्छे से होता है, मिट्टी सूरज की रोशनी अंदर तक जाती है और जिस वजह से खेत में फफूंदी वाली बीमारियां लगभग ना के बराबर हो जाती है। आपको बता दूं कि सूक्ष्म जीवाणु जब बढ़ते हैं तब ये यूरिया डीएपी पोटाश को वो विघटित करते हैं और पौधे को जिस आवश्यकता में चाहिए
जड़ों के माध्यम में उसी स्वरूप में यह पौधों को देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पौधों का संतुलित और अच्छा विकास होने में मदद होती है। मैं आपको बता दूं कि उपज वर्धन के इस्तेमाल से ऊपर बताए गए लगभग सभी चीजें होने वाली हैं। यह एक बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और जहां भी हमने इसका उपयोग किया है, कोई भी फसल हो, इस दुनिया में उगाई जाने वाली कोई भी फसल के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उपज वर्धन का फायदा फार्मर को जरूर हुआ है। हमारे किसान भाई, फिर वो हिमाचल प्रदेश से हो या उड़ीसा से हो, पंजाब से हो या महाराष्ट्र से हो, सभी को उपज वर्धन का अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। अब हम जानेंगे उपज वर्धन कैसे और कब इस्तेमाल करना है। पहले हम जानेंगे उपज वर्धन कब इस्तेमाल करना है। तो देखिए, बहुत आसान है उपज वर्धन का इस्तेमाल। आप खेत तैयार करते समय आप इसका उपयोग कर सकते हो। 20 से 40 किलो यूरिया के साथ आधा किलो उपज वर्धन आप मिक्स करके खेत में छींट सकते हो। अगर आप यूरिया का इस्तेमाल नहीं करते तो आप 40 से 80 किलो नीम की खल्ली, सूखी खल्ली, उसके अंदर आप मिक्स करके उपज वर्धन खेत में छींट सकते हो। अगर वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो खेत की ही सूखी हुई मिट्टी 20 किलो आप लेते हुए उपज वर्धन आधा किलो उसके अंदर मिक्स करना है और आप पूरे खेत में इसको छींट सकते हो। इसके बाद में दूसरी बार उपज वर्धन का इस्तेमाल कब करना है, जब हमारे खेत में फूलों का लगना शुरुआत हो रहा हो, कोई भी फसल हो, जब फूलों की अवस्था में पौधा आ जाए तब हमें और आधा किलो उपज वर्धन एक तो पानी में बहा के हम दे सकते हैं, या फिर ड्रेंचिंग कर सकते हैं, या फिर मिट्टी में ही मिक्स करके फिर से हम खेत के अंदर डाल सकते हैं। यह एक एकड़ के लिए, एक फसल की 4 महीने की अगर फसल है तो उसके जीवन काल में 1 किलो पर्याप्त होता है। उपज वर्धन के इस्तेमाल से होने वाले फायदे कुछ इस प्रकार है। इसके उपयोग से हमें उपज में वृद्धि मिलती है, जड़ों की श्रृंखलाओं की वृद्धि होती है, कम पानी में भी फसल जीवित रहती है, अच्छी रहती है, ज्यादा से ज्यादा फूल आते हैं, फूलों का फलों में रूपांतरण तीव्र गति से और अच्छे क्वालिटी में होता है। यह सारे हैं हमारे उपज वर्धन के बेनिफिट्स। मैं आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा हमारा प्रोडक्ट, जो कि एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है उपज वर्धन।